वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो दा विषय कि आपां अपनी जिंदगी दे विच अज तक अपने लई की कीता, आपां अपने दुनियावी रिश्तियां नू खुश करन दे लई बड़े चंगे माड़े कर्म कीते, बड़ी भज दौड़ कीती, पर आपां अपने लई की कीता जां कह लो कि सानू अपने लई की करना चाहीदा सी। अपनी अज दी वीडियो दे विच आपां इसे ही विषय दे उत्ते गलबात करांगे कि सानू साडी जिंदगी दे विच की करना चाहीदा सी। जेकर असीं अपनी जिंदगी दे विच अपने लई कुछ भी नहीं कीता तो हुण आपां किस तरह शुरुआत कर सकदे आं, किस तरह अपने लई कुछ कर सकदे आं। इसलिए सारे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नू पूरा अंत तक अते ध्यान नाल सुनना अते समझना, क्योंकि जेकर विचो एक गल भी रह जांदी है ना फिर पूरी समझ नहीं पैंदी अते गल दा पूरा मतलब गलत निकल जांदा है। इस करके तुहाडे सारयां दे चरणां दे विच बेनती है कि वीडियो नू पूरा ध्यान नाल सुनना अते समझना। ते आओ अज दी वीडियो शुरू करदे आं। तो देखो जी अपने विचों बहुते मनुखां दी जिंदगी अजिही आ कि आपां जदों तों वी होश संभाली आ घर परिवार दीआं जिम्मेवारियां निभाउंदिआं निभाउंदिआं पता ही नहीं लगा कि कदों बचपन अते जवानी बीत गई। इह जिंदगी दे दो खूबसूरत पड़ा बचपन अते जवानी, इह तां साडी जिम्मेवारियां नूं निभाउण विच बीत गए। अज आपां अपने परिवार विच बैठ के जदों गल्लबात करिए जदों अपने जीवन ते झात मारदे आ तां सब ही कहिंदे ने कि मैं तेरे लई आ कीता, मैं तेरे लई ओह कीता। इह सच वी आ, आपां सब ने इक दूसरे दे लई कुछ ना कुछ कीता है। जिस तरह मां बाप आ, मां बाप ने सारी जिंदगी अपने बच्चियां दे पालण पोषण तों लै के उहनां दी पढ़ाई लिखाई उन्हां नूं उन्हां दे कारोबार दे विच सैट करना, उस तों बाद व्याह भाव कि कई तरह दीआं जिम्मेवारियां जो साडे मां बाप ने निभाईआं। इसे ही तरह भैण भरा पति पत्नी बाकी रिश्ते नाते आपां सब ही एक दूसरे दे लई कुछ ना कुछ जरूर करदे आं। कईआं दी तां सारी जिंदगी ही अपने रिश्तियां नूं खुश करन विच लंघ जांदी आ। कई मेरे वीर ते भैणां ने तां अपने रिश्तियां दे लई अपने सुपने अपने अरमान अपनियां रीझां सब कुछ त्याग दिता कि मेरे रिश्ते खुश हो सकन, मैं अपने इन्हां रिश्तियां दीआं जरूरतां लोड़ां नूं पूरियां कर सकां। जो भी संभव कोशिश कीती। कई मेरे वीर भैणां ने इन्ना क धन दौलत इन्नी क कमाई कीती है कि उह अज वी अपने परिवार दीआं जरूरतां नूं पूरियां कर रहे ने, उन्हां दीआं रीझां नूं उन्हां दीआं लोड़ां नूं पूरियां कर रहे ने, अते इन्ना क जमा भी कीता है कि उन्हां दा भविख भी सुरक्षित करता है, भाव कि उन्हां दा आउण वाला समां भविख उस विच भी उन्हां नूं किसे भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ते कई मेरे वीर भैणां अजिहे भी आ जो अपनियां अज दीआं लोड़ां पूरियां करन दे लई लगातार जद्दोजहद कर रहे ने, भाव चाहे कोई अमीर आ चाहे गरीब आ हरेक कोई अपने रिश्तियां दे लई हर संभव कोशिश करदा है कि मेरे रिश्ते खुश रह सकन, मेरे परिवारक मैंबरां दीआं लोड़ां जरूरतां पूरियां हो जाण। पर सोचो कि असीं दुनियावी रिश्तियां दे लई ते बहुत कुछ कीता, उहनां नूं खुश करन दे लई हर संभव कोशिश कीती आ, धन दौलत इकट्ठा कीता, जमीन जायदाद बणाईआं, पर असीं अपने लई की कीता? अपने लई तां कुछ नहीं ना कीता। जो साडे नाल जावेगा साडे अंत समें दे विच सहाई होवेगा, क्योंकि इह दुनियावी चीजां दे विचों धन दौलत जमीन जायदाद इन्हां कुछ दे विचों अपने नाल नहीं जाणा, अंत वेले सहाई नहीं होणा, अंत वेले सिर्फ ते सिर्फ नाम सहाई होवेगा। ते साडे लई जो असीं कमाई करनी सी उह नाम दी कमाई आ, पर साडी इह बदकिस्मती आ कि असीं अपने आपणिआं नूं अपने रिश्तियां नूं खुश करन दे लई अपने दुनियावी काम धंधिआं नूं करन दे लई साडे कोल समां है, पर नाम जपण लई साडे कोल समां नहीं आ। पर नहीं, नाम जपे तों बिना गल नहीं बणनी, क्योंकि जिन्नी मर्जी कमाई कर लो इन्हां दे विच इक तिनका भर वी नाल नहीं जाणा, अंत वेले सहाई नहीं होणा, अंत वेले सिर्फ ते सिर्फ नाम ने सहाई होणा है। इस लई जो वी इहला बीत गिआ है उह अपने हत्थ विच नहीं आ सकदा, उस नूं आपां वापस नहीं लिआ सकदे, पर जो अज है उह अज अपने हत्थ विच आ। इस करके अज तों ही अपनी जिंदगी दा पक्का नियम बणाओ कि मैं अपने लई वी कुछ करना है, अपने लई वी कमाई करनी है, अपने घर परिवार दे लई बड़े चंगे मंदे काम कीते आ हुण उहनां कम्मां नूं बख्शाउणा है,
इस करके चाहे जिन्ने मर्जी रजेवे हों शुरुआत 5 मिनट तो कर लो। अज भी शुरुआत 5 मिनट तो करोगे तो तुहाडी मंजूर आ। जेकर किसी भी बाणी का जाप नहीं कर सकते तो 5 मिनट वाहेगुरु जी का जाप कर लिया करो, तुहाडा वह भी सफल आ। क्योंकि साडे गुरु ने सानू किते भी ये नहीं किया कि जो तेरा तू समा बीत गया है, तू अपना बचपन जवानी दुनियावी कम्मां विच बिता लिया है, इस करके तेरा हुण जपिया होया नाम व्यर्थ है, तैनू कोई लाभ नहीं। नहीं मेरे पातशाह ते कहिंदे लास्ट समय तक भी मैं तेरी उडीक करांगा कि सच्चे मन नाल तेरे हिरदे विचों वाहेगुरु निकले, तू सच्चे मन नाल उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे चरणां नाल जुड़ जावे, तां वी मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी बांह फड़ के भव सागर पार लंघा देंगे। पर कमी साडे विच आ कि साडे कोल सारे दुनियावी कम्मां दे लई समा है पर नाम जपण दे लई नहीं। पर अज तो ही शुरुआत करो, चाहे 5 मिनट का सिमरन करो, उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे लई समा जरूर कढ़ो। वैसे तो हर एक गुरसिख दे लई 2.5 घंटे का नितनेम करना जरूरी है, पर जेकर रजेवे ज्यादा ने तुसी 5 बाणियां का नितनेम नहीं कर सकते तो घट्टो घट 1 जपजी साहिब जी का पाठ जरूर कर लिया करो। 10-15 मिनट दे नाल कोई फर्क नहीं पवेगा। जे तुसी जपजी साहिब जी का पाठ भी नहीं कर सकते तो मूल मंत्र का जाप करो, जे मूल मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो वाहेगुरु जी का सिमरन करो। अज भी अपनी शुरुआत 5 मिनट तो कर लो, ये 5 मिनट दा जपिया होया नाम भी पार उतारा कर देगा। आओ अज तो ही शुरुआत करिए, क्योंकि अस जिंदगी दे विच बड़ियां भुल्लां कीतियां ने, कई भुल्लां जाने अनजाने दे विच हो गईयां ने। हुण उन्हां भुल्लां नूं बख्शाउणा है, उन्हां पापां नूं बख्शाउणा है, ते ओह भुल्लां ते पाप सिर्फ ते सिर्फ उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने ही बख्शने आ। अते बख्शने किस तरह है, जेकर उन्हां नूं याद करांगे। इस करके 5 मिनट ही उस वाहिगुरु अकाल पुरख की याद विच बैठ गया करो, किसी भी तरीके दे नाल पाशा नूं याद करो, मेरे पाशा जी मंजूर करनगे। साडे वल्लों सिर्फ एक कदम चलण दी लोड़ आ, बाकी मेरे गुरु नानक पाशा जी ने लखां करोड़ां कदम चल के आप आके बांह फड़ लैणी है अते सानूं इस भव सागर विचों पार लंघा देना है। ते आओ रोजाना ही अमृत वेले उठिए, उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी का नाम जपिए, गुरबाणी पढ़िए सुनिए अते विचारिए। जेकर इह वीडियो वधिया लगी हुई तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना, अपने चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।